कोंडागांव जिले फरसगांव थाना अंतर्गत ग्राम तराई बेड़ा का मामला है। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि फरसगांव के चर्च में चल रहे निर्माण कार्य में काम करते समय करंट लगने से एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम रमेश मरकाम, पिता स्वर्गीय मणिराम मरकाम 28 वर्षीय बताया जा रहा। इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को भी नहीं दी गई है और शव को कोंडागांव में लाकर दफना दिया। मृतक के परिजन और ग्रामवासियों का आरोप है कि बिना परिजनों को सूचना दिए दफन कफन कर देना कहां तक उचित है। मृतक के मां का कहना है कि मेरा बेटा कैसे मारा गया मुझे नहीं बताया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव का बेटा था, हम अपने रीति रीति से उसका अंतिम संस्कार करते, जो हुआ सही नहीं हुआ। हम थाना फरसगांव भी गए थे लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। गंगाराम नेता हूँ। आप लड़के के मामा? लड़का का मामा हूँ। क्या हुआ था? यहाँ पर मेरा भाचा घटना हो गया, हमको पता नहीं चल रहा है क्या कारण से घटना हो गया बोल करके। हम लोग पता लगाए थे, उसके बाद कल भाचा लोगों को पकड़ के फिर मैं गया तो कहाँ पर है बोल करके लड़की। उसके बाद हम लोग गए थे कि सर्च में बैठा है बोल करके, वहाँ पर हम लोग गए थे पता लगाने के, तो सर्च में बैठा है तो उसको 5 मिनट बुलाइए, हमारा से चर्चा करना चाहिए मिलने के लिए। तो हम लोग फिर बीच में सोचे थे कि हम क्रियाक्रम किस ढंग से करेंगे बोल करके, इस कारण से हम लोग मिलने गए थे। उससे 200 बात पूछ गएंगी तो वो बात भी करेंगी बोल करके, ये कल हमको मिल नहीं पा रहा है। तो ये चर्च वाले ही लोग ले गए क्या? पता तो नहीं है भाई कौन लिया, तो चर्च वाला लोग लिया तो कौन लिया, तो ये हमको पता नहीं है। ये भी क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं हम लोग, हाँ जांच होना चाहिए, हमको भी जानकारी मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहना है। थाना में भी हमको कुछ बातें नहीं मिल रहा है, किस ढंग से क्या हुआ बोल करके हम न्याय चाह रहे हैं। हमको कल गए थे 12 बजे भी गए थे, उसके बाद में मतलब लाइट में लटके कहीं के नहीं जानू, कहीं मार दे इन कहीं के नहीं जानू, मुना तो कोई नहीं सांग है तो मैं कहीं ना जानू। तो तुर बहुत नहीं बताए मोला, ऐसा नसन हो इसके कहीं मोला नहीं सांग है। कोंडा गांव ले तंडा पन करे लवती के मोला पता नहीं है। कोंडा गांव दफन कर दी का इनके कहां करे इन कहां नहीं करे, मैं तो जानू नहीं। और बेटा लकसन करे इन कसन नहीं करे कहां वो कमाई लग तो घर में रह तो बीता है, मशीन बूटा कर तो बीता है, वो काय कमाई लग कौन ले जिन जाले, काय बहु तो ले जिस जाले, काय कसन तो करीन ते मैं तो नहीं जाना। हाँ पुनीत राम नेता मेरा नाम। ये थाना से फोन आया था कि रमेश मरकाम है बोल के, आओ है बोला तो इसलिए उस कोई परिवार को पकड़ के आ बोलते ठीक है आता हूँ बोला, मैं कुछ झगड़ा उगड़ा हुए होंगे बोल के मैं जल्दी पहुँचा तो वहाँ लगा कि कोई मृत हो गया है बोल तो ठीक है, हम लोग तो देखे नहीं है सर बोले, फिर देख के आते हैं बोले तो हॉस्पिटल गए तो वहाँ मृत अवस्था में पाया गया। तो हम लोग को जानकारी पूछ रहे थे, हम लोग को तो पता नहीं सर अब कैसे ख़त्म हुआ है, तो बयान ले रहे थे उन लोग के इसको जो जो थे उनको, तो सवेरे आएंगे बोले, सवेरे हम लोग को सूचना भी नहीं मिला कि कैसे ख़त्म हुआ क्या है या पोस्टमार्टम किया वो भी पता नहीं चला। तो आप एक दिन पहले ही गए थे? पहले गए थे जी, था उस दिन गए थे जी जी, फोन के माध्यम से बुलाए थे इसलिए। अच्छा बस देखने गए थे है कि नहीं है? नहीं है, वास्तव में हम लोग के गांव के है कि नहीं। तो सेकंड दिन आप लोगों को कोई मिला? कबर तक नहीं मिला। तो अभी कहाँ है कोंडा गाँव दफन कर दिए सुनाइए? अब पता नहीं, अभी हम लोग को तो सूचना तक नहीं मिला, न थाना से भी नहीं मिला। नहीं अगर मान लो अगर उसको ले आते तो आप लोगों को दिक्कत था? आप लोग क्या दिक्कत तो नहीं था, फिर भी आप क्या है गांव वाले बैठ के आपसे समझौता कर लेते जो भी था उसको, मतलब दफन करने आप लोग देते या देते या जो भी तो करते, लेकिन सूचना भी नहीं दिए ना हम लोग को। अच्छा सूचना तक नहीं दी? नहीं दिए। ये जो 4 दिन पूरा हुआ था हादसा का दिनांक 6/8/24 को
हॉस्पिटल से हमको एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक से कोई खत्म हो गया है ऐसा मेमो प्राप्त हुआ। जो हॉस्पिटल जाके तस्दीक की वो तराई बेड़ा निवासी रमेश मरकाम के रूप में उसकी पहचान हुई और वो राजमिस्त्री का कार्य करता था और यहाँ बरसगांव में नवीन कॉलोनी में राजमिस्त्री का काम करने आया था। उसी दौरान वो सरिया उठा रहा था जो बगल से गुजरे खंभे जो पोल था उसमें बिजली करंट था जो गली लाइन रहती है उस पर सरिया टच हो गया जिससे उसे तत्काल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गया गया जहाँ उसकी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करा के वो उसके बॉडी को उसकी पत्नी सोनिया मरकाम को सुपुर्दनामे में दिया गया है जांच अभी जारी है। तो सर मृतक की माँ आरोप लगा रही है कि उसे मृतक के ने उसके पुत्र का बॉडी नहीं दिया गया देखने भी नहीं मिला उसमें उसकी पत्नी को हैंड ओवर किया गया है गाँव के समक्ष ये उसमें।